अब इसमें क्या रहा है, क्रोम रिकमेंडेशन गया था, चलो ठीक चलो नहीं नहीं आप रिकमेंडेशन से जाओ। एफ एस ई होता है फंक्शन, और एच एस होता है ये, और प्लस का निशान आपने प्रेस कर दिया। हाँ यही बोल रहा हूँ, इसमें जाओ, फोर्थ ऑप्शन। अब इसमें आई कार्ड आ रहा है, होम स्टार्ट और पावर का, राइट मतलब सेकंड ऑप्शन जो है इसको प्रेस करके रखना, सुनो प्रेस करके रखना है, बंद होने का प्रेस करना है, लाइट जल रही है ना, छोड़ दो एक मिनट, नीचे देखो एचएस पहले बंद करना, कर सर कट करना ना, ऑन किए प्रिंट करना सर, ऑन करो, रुको सर रुको, एचएस दबा के ये कंफर्म कर, अच्छा बस एक बार ही दबाना, एचएस को दबाए रखना उसे, एक बार ऑन, बस हो गया आप तो ना, और ओके करके बाहर आ जाओ, क्या एस एस और होम होम बटन प्रेस करके बाहर होटल एंड, और कुछ नहीं करना है बस, ये आपकी मशीन रेडी हो गई है, ओके हाँ ओके बस, मतलब आई कार्ड का बटन इसमें नहीं था, आई कार्ड का बटन बाहर आ गया, फोम वेट डलवा ना ड्रॉअर के बाद, ड्रॉअर में आप देखो मान लो एक और लगा रहे हैं, लगा रहे हैं लीगल लगा रहे हैं, तो उसकी सेटिंग ये हो गई है, और कुछ नहीं करना है बस, आपका ये जो होना था वो मैंने आपको बता दिया, अब मशीन चलाओ आप और कस्टमर को क्यों टी सेलेक्ट करो, ओके देखो इसमें जो पहले इंस्टॉल्ड है वर्जन, हाँ ठीक है ठीक है, 157 चल रहा है वो दिखा रहा है, और जो अभी नया है वो दिखा रहा है, तो ये अपडेट हो रहा है सारा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, रिको का जैसे ही है ना, सब मशीनों में ऐसे दिखाता है, पेन ड्राइव से होता है, हाँ नहीं पेन ड्राइव नहीं उससे होता है, अभी जो आ रही है उनमें हो रहा है, नहीं नहीं उसी से होता है, कार्ड से, हाँ एसडी कार्ड से होता है, इसमें पेन ड्राइव से हो जाता है, ये सही है। और दूसरा क्या है कि हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, एक एक करके भी करते हैं, लेकिन एक एक करके करेंगे तो बार बार रिबूट करना टाइम लगेगा, और इसमें इकट्ठे में, लेकिन कस्टमर से पूछना कि भाई लाइट चली जाती है, यहाँ यूपीएस पे होना चाहिए, हाँ यहाँ हमने पूछा नहीं लेकिन हाँ कर दिया हमने, यूपीएस पे होना चाहिए, होगा वैसे यहाँ पे, सबसे तो ये हो जाएगा, ठीक है कन्फर्मेशन मांगेगी, इंस्टलाइज करेंगे और पेन ड्राइव निकाल देंगे, पेन ड्राइव जैसे हम कॉपी करते हैं, पेन ड्राइव को पहले फॉर्मेट कर लेना है, फैट 32 में जीरो 2.0 होना चाहिए पेन ड्राइव, ठीक है आपका 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा आपका, ये फर्मवेयर जो है 2.5 GB का फर्मवेयर है, तो मतलब 2 से ऊपर ही होना चाहिए पेन ड्राइव, 4 GB हो, 8 GB हो, 16 हो, 32 2.0 वर्जन और 8 GB से ऊपर विदाउट वायरस वाला, वही एक्सेप्ट करेगा, वायरस लेगी नहीं मशीन, इसमें TPM2 है, या तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, अब आ रहे समय 8 डेज जो बता रहे थे, 8 डेज में इसमें सिक्योरिटी के लिए TPM2 है, TPM2 और कोई कंपनी यूज नहीं करती है, तोशिबा यूज करती है, TPM1 है, 1.2 है, या कुछ ऐसा है, ये मशीन सेल वगैरह में डाल सकते हो, जब मशीन सेल करनी हो उसमें, जब हां बिल्कुल बिल्कुल बिट बनाते हो उसमें, उसमें डलवाओ, मैं बिट बिट में आप इनबिल्ट OCR डलवाओ, बिट में आप हां इनबिल्ट OCR वो डलवाओ, PS इनबिल्ट PS डलवाओ, PS इनबिल्ट है, इनबिल्ट PS है मशीनें हमारी, तोशिबा की मशीनें सारी इनबिल्ट PS है, अच्छा 2329 ले लो, उसमें PS ऑप्शनल भी है, लेकिन जो बेसिक आ रही है उसमें PS, आप डायरेक्ट से यूज करो, आप मैक से यूज करो, आप विंडो में यूज करो, 25-23 में नहीं है वो, नेटवर्क वाली नहीं है, तो वो USB वाली है, उसमें नहीं है वो, GDI प्रिंटर है, उसके बाद जो 23-29 है, 28-29 है, उसमें आपका नेटवर्क है, उसमें है, आप पहुँच कर दो, कोई बात नहीं, वो हो जाए, 5-7 मिनट लगते हैं इसमें अपडेट होने, मछली हो ही गया ना, बस यही रह गया, जी सर बहुत सर मना भी किया, बोलते कि हमें दिखाना है अपने पास, कहीं 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 दूसरी जगह दे, ऐसा पता होता तो
अब ऑफिस में होता तो कोई कुछ नहीं, मतलब आराम से वो जो काम मुझे करने वो तो मुझे करने ही है, लेकिन मतलब वो सामने उनको याद नहीं आते काम। अब बॉस को काम आ गया जी, उसका सर्टिफिकेट बनाना, मैं यहाँ कहाँ बनाऊंगा सर्टिफिकेट, बना दूँगा कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल भी होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, अब ये कम्प्लीट हो गया, तो ये कवर है ऑटोमेटिकली इंस्टॉलाइजेशन। तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलाइजेशन कर दिया हमने, अब हम पेन ड्राइव निकाल सकते हैं, इसके बाद निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं इंस्टॉलाइज करने के बाद, नहीं भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ऑफिस आ जाना तो बेसिक वाली हम एक बार पूरा खोल के देख लेंगे, क्योंकि मैं जब कभी छुट्टी पे चला जाता हूँ दिक्कत हो सकती है। ड्रम तो खोल लिया मैंने उसका, ड्रम डबल पे खोल दिया, बस और क्या होना है, फ्यूजर है, फ्यूजर भी आसान है, बहुत आसान है, मतलब रिको से आसान है। उसमें दिक्कत आ रही थी ना वहाँ पर मॉडर्न में, वो बेचारा मेरे पास फ़ोन कर रहा है कि जी पेपर जाम हो रहा है, जी अनिल ने आपका नंबर, ठीक है कोई बात नहीं, मैं घर पर था तो मैंने उसको बोला भाई एक काम कर मुझे ज़रा वीडियो कॉल कर ले, उसने पेपर साइज ही गलत दे रखा तो वो सही करवा दिया। मैं गया था दोबारा उसके पास, फिर वो सेट कर गया, फिर उसका एक बार एक वो मिस प्रिंट कर रहा था, फिर वो करके आया डेवलपर में कुछ डेवलपर का। पेपर देखो ना पेपर कौन सा, जेके रेड है, जेके रेड अब ये पेपर लगाया हमने तो ये बेकार, बिल्कुल बेकार है, लेकिन वो सही पेपर यूज करते हैं तो पेपर डस्ट निकली ना उसमें। हाँ, सही सही में निकली ना। हाँ, मतलब सही नहीं है वो, अच्छा करके बेच रहा है, जो भी बेच रहा है वो अच्छा करके दे रहा है, इसमें भी कई क्वालिटी कर दी उन्होंने जेके में भी। अब ये बस हो गया, बस पूछ लेना है कस्टमर से, पहले कन्फर्म कर लेना कि लाइट जाती है आपका, यूपीएस पे है मशीन या नहीं है, नहीं है तो भाई रिस्क तो फिर लेना ही पड़ेगा, जब भाई करना है तो फिर करना ही पड़ेगा, भगवान का नाम लेके कर दो। कभी हुआ है सर? आज तक नहीं हुआ, अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा, देखो में भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, तो भाई जब ग्रह बिल्कुल ही खराब हो गया तभी होगा, तब भी बोल दो पहले की मेरी जिम्मेवारी नहीं, भैया मैं करना है ये काम है, आप लाइट का प्रबंध करवा। सही बात है, अभी हमने A3 लगाए हैं इसमें या लीगल है? लीगल है, इनको जब चाहिए होगा तो वो निकाल के आप इसमें लगा लो और यूज करो, ऐसा नहीं बोलना कि दो ही ट्रे हैं इसमें नहीं होगा, ये नहीं, ठीक है भाई आप पेपर निकालो, दूसरा पेपर लगाओ और एडजस्ट करो। मैंने आपको बताया बाईपास से भी कर सकते, बाईपास से भी कर सकते हैं, तोशिबा में बाईपास से डुप्लेक्स होता है, ठीक है, डुप्लेक्स तो रिको में भी होता है, अब जो आ रहे हैं पहले नहीं, हाँ जो आ रही है जो पुरानी वाली भी आईएमसी सीरीज जो आ रही है, आईएम में भी और वैसे भी जो बड़ी मशीन है उसमें होती है डुप्लेक्स, हमारे छोटे में भी होता है 2309 में भी होता है, वो तो बहुत पुरानी मशीन है जो डुप्लेक्स वाली नहीं थी उनकी, सिंगल साइड वाली थी, सिंगल साइड हमारे पास भी सिंगल साइड वाली है, पहले पुरानी वाली ना, लेकिन मतलब शुरू से आज तक जो है हमारी मशीनें जो है बेसिक मॉडल, उसमें भी जिसमें डुप्लेक्स है उसमें आप बाईपास से डुप्लेक्स करते हो, बाईपास को एज ए सेकंड ट्रे यूज़ करते हो, क्योंकि बेसिक आती है हमारे सिंगल ट्रे के साथ, सेकंड ट्रे ऑप्शनल कोई खरीदता है तो हम उसको बाईपास ही, अगर डुप्लेक्स है उसमें डुप्लेक्स वाली है तो बाईपास से भी डुप्लेक्स हो जाएगा, फोटोकॉपी भी डुप्लेक्स हो जाएगी, प्रिंट भी हो जाएगा। वो 2014 वाली है ना इनकी, 2014 में तो है ही नहीं, 14D में है, लेकिन वो बाईपास से डुप्लेक्स नहीं होता, हो गया ना, हो गया।